क्या आप भी अपने चेहरे को लेकर चिंतित हैं? क्या आप भी अपने चेहरे पर होने वाली प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो आइए मैं अब आपको इसके बारे में सोल्यूशन देती हूँ, और इसके लिए आपको मेरी कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी, और आइए मैं इसके बारे में आगे बताती हूँ। मैं आपको आपकी फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में बताती हूँ, और वो है विटामिन ई के कैप्सूल। आपने इनके बारे में काफ़ी सुना होगा, और आजकल जो पार्लर होते हैं और सैलून होते हैं, इनका जो यूज़ है वह नेचुरल ही, मतलब रेगुलर ही होने लग गया है। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि यह हमारी स्किन के लिए कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और किस चीज़ के लिए ये कार्य करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है ड्राई होती है, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है, और जो डैमेज स्किन हो जाती है हमारी, तो उसके लिए भी यह काफ़ी अच्छा बेनिफिट इंग्रेडिएंट साबित हुआ है, और स्किन को यह फ्री रेडिकल से बचाता है। यह बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारी स्किन होती है, फेस की जो कोशिकाएं होती हैं, उनको यह सेव करता है फ्री रेडिकल से। जैसे कि इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, उसके जो अणु होते हैं, मतलब जो कि हार्मफुल होते हैं, हमारी स्किन के अंदर ना जाएं, तो उससे हमें यह प्रोटेक्ट करता है। और आगे मैं बताती हूँ कि जो ये विटामिन ई कैप्सूल्स होते हैं, यह हाइपर पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। और हम इसका जो यूज़ होता है मोस्टली क्या करते हैं कि जो कि डार्क एरिया होता है, और जो कि रिंकल्स वगैरह, एक्न, और हम जवान दिखने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। और हम ज़्यादातर क्या करते हैं, मोस्टली इसका यूज़ जो विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं, हेयर के लिए भी यूज़ होते हैं। हेयर को इनके अंदर से काफ़ी न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन ये क्या होते हैं कि अलग अलग कलर के मिलते हैं, लेकिन इनके अंदर जो भी मेन इंग्रेडिएंट होता है वह एक ही होता है। यह बहुत ही अच्छा एंटी एजनिंग है, और यह एक बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। क्या है कि जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, इसके अंदर टोकोफिरोल नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो कि हम जो सनलाइट क्रीम होते हैं, और या फिर नाइट क्रीम होती है, और जो भी मतलब स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, मोस्टली क्या है, उनके अंदर विटामिन ई कैप्सूल का ज़्यादातर यूज़ होने लग गया है। विटामिन ई कैप्सूल है जो कि हमारे स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, उनके अंदर 0.5 to 1% होता है, जो टोकोफेरोल एसीटेट की फॉर्म के अंदर यह है, हमारे उन प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इसको हम एक नाइट क्रीम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, इसको हमें नाइट के टाइम ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए। क्या होता है कि जब हम अपने नाइट के टाइम इसको यूज़ करते हैं, और उसके बाद यह हमारे स्किन के, मतलब फेस के ऊपर ऐसे ही रात को हम लगा के सो जाते हैं, तो जो भी न्यूट्रिशन होता है वह हमारी फेस को मिल जाता है, और सुबह हमें इसको गुनगुने पानी से धो लेना चाहिए, जिससे हमारा चेहरा है जो कि बेदाग हो जाएगा और निखर कर भी सामने आएगा। जो कि विटामिन कैप्सूल्स होते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि इनके अंदर ऑयल की अमाउंट, मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं, और ऑयल अमाउंट ज़्यादा होती है, जिसके कारण जिनकी त्वचा ऑयली होती है, तो ये उनके लिए थोड़े से कह सकते हैं कि हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या ध्यान देना चाहिए इस बात के ऊपर कि ये हमारी स्किन के ऊपर सूट भी करते हैं या नहीं। सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए, जो हमारे कान के पीछे का एरिया होता है, इसके ऊपर लगाकर हम इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जलन या कुछ भी महसूस हो, तो आप इसको फेस के ऊपर अप्लाई ना करें, क्योंकि क्या होता है कि हमारी स्किन फेस की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो हमें इसको यूज़ करने से पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लेना चाहिए। और हम इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं जिनकी स्किन ड्राई होती है, लेकिन जिनकी स्किन ऑयली होती है उनको थोड़ा
सा ध्यान रखना चाहिए इस बात का। हम विटामिन ई कैप्सूल के बहुत सारे अनेकों फ़ायदे हैं, और जैसे कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको इसके फ़ायदे बताए हैं, और आने वाली वीडियो के अंदर मैं इसको लगाने का तरीका भी बताऊंगी, हमें इसको कैसे अप्लाई करना चाहिए। अगर मैं इस वीडियो में बता देती हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं अप्लाई करने का तरीका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।